जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय पौड़ी जल जीवन मिशन की बैठक ली, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लग रहे पेयजल लाइनों का कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार की कार्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में 110 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य संबंधित अधिकारी रखें, जिससे कार्यों को जल्द पूरा किया जा सकेगा। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि जिन विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल कनेक्शन नहीं लग पाए हैं, वहाँ तेजी से कार्य करना अधिकारी सुनिश्चित करें, जिससे विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों के पेयजल समस्या से दूचार नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो कार्य पूर्ण होते हैं उसे तत्काल पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे कार्य की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकेगी। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। जीवन मिशन की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक थी, और उसमें हमारे जो काम चल रहे हैं 717 काम चल रहे हैं, 1600 to 1700 के बीच में हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बड़ी जो स्कीम्स है हमारी 59 स्कीम है, जो 2 करोड़ से 5 करोड़ की उसमें आती हैं, तो हम सभी को पर्सनली मॉनिटर किए जाने और तेज़ी से ख़त्म किए जाने, और फरवरी मंथ में जो हमारी लगभग 110 काम कंप्लीट होने का एक टारगेट हम लोगों ने लिया है, तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रायोरिटी पे ले रहे हैं।